मायसेल्फ डॉक्टर रेखा कालानी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जीडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा, बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, यूनिट फोर्थ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पार्ट 16 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े थे। नेक्स्ट, पहले वाले पार्ट 15 में हमने देखा था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है और किस तरह से हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने देखी, साथ ही हमने देखा कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, भौतिक गुण क्या हैं। उसमें हमने उनकी सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, एसिडिक करेक्टर, कि किस तरह से दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट होने पर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग होती है, इसको हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, क्यों होती है, क्या इफेक्ट होता है। ये सब हमने इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अभी देखा था पार्ट 15 के अंदर। ये भी देखा था साथ में कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में मिथाइलिन ग्रुप आने से उनके बीच की दूरी अधिक हो जाती है, तो जितने ज़्यादा मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के बीच में, उतनी ही उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाती है। इसी क्रम में हम देखें कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ऑक्जेलिक एसिड की सबसे ज़्यादा और एडिपिक एसिड की सबसे कम होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ये कार्बन मुख्यतः जो है इसकी केमिकल रिएक्शन जो हैं वो कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर करती हैं। जब दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं 5 या 5 से अधिक CH2 ग्रुप से अलग होते हैं, तो ये COOH समूह जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरह ही व्यवहार करता है और उसी तरह से जो है वो रिएक्शंस को करते हैं, तो इससे अलग अलग प्रोडक्ट जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखें रिएक्शंस ड्यू टू COOH ग्रुप। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में दो COOH समूह उपस्थित होने के कारण ये डेरिवेटिव्स की दो तरह की सीरीज बनाते हैं, मतलब पहले एक मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन निकलता है और फिर दूसरे मॉलिक्यूल को हम लेते हैं और उससे डाई डेरिवेटिव्स बनते हैं। पहले मोनो डेरिवेटिव्स, फिर डाई डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हमने लिया सक्सेनिक एसिड, जब हम सक्सेनिक एसिड की रिएक्शन जो है NaOH के साथ में करवाते हैं, तो मैं पहले मोनो सोडियो ऑक्सिलेट आयन्स बनते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ में रिएक्शन करके डाई डेरिवेटिव्स बनाता है। इसी तरह से C2H5OH के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो इससे भी हमें एस्टर्स प्राप्त होते हैं। PCl5 के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो डाई एसिटाइल डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्शन करते हैं। इसी क्रम के अंदर हम देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पर टेम्परेचर का जो है वो क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम गर्म करते हैं तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिलेटिव पोजीशंस पर या दोनों कार्बोक्सिलिक समूह को पृथक करने वाले जो मिथाइलिन ग्रुप हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है। तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलिक समूह की जो पृथक करने वाली कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम अलग अलग सीरीज के अंदर बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं।
उनमें से फर्स्ट है बिना या एक कार्बन परमाणु के द्वारा अगर वो आइसोलेट हो रहे हैं विदाउट और विथ वन सेपरेटिंग कार्बन एटम, तो इसके अंदर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कि दो कार्बोक्सिलिक समूह आपस में सीधे ही जुड़े रहते हैं जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड है, या फिर दोनों COS समूह के बीच में केवल एक कार्बन होता है जैसे कि हमारा कौन सा एसिड मेलोनिक एसिड है। इनको गर्म करने पर डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं ये, और इसके फलस्वरूप जो है हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। तो जैसे हमने ये किया कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड को गर्म किया तो इससे हमें जो है वो फॉर्मिक एसिड मिला, इसी तरह से मेलोनिक एसिड को जब हम गर्म करेंगे तो इससे जो है वो हमें एसिटिक एसिड मिलता है। तो डिकार्बोक्सिलेशन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट द्वारा उसी प्रकार से बनती है जैसे कि डिल सेल्डर रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि डिल सेल्डर रिएक्शन में जैसा बनता है वैसा ही इसके अंदर भी एक स्लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये है हमारा मेलोनिक एसिड, इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी साइक्लिक जिसको गर्म करने पर CO2 निकलती है और डाइहाइड्रोक्सी एल्किन बनती है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इससे जो है वो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यदि इन दोनों एसिड्स में जल के अणु का निष्कासन माना जाए तो 3 या 4 सदस्य अस्थायी साइक्लिक स्ट्रक्चर इनसे प्राप्त होता है। दूसरी तरह के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स वो होंगे जिनके अंदर 2 या 3 कार्बन परमाणु द्वारा जो है दोनों COS समूह जो है वो पृथक होते हैं विथ 2 और 3 सेपरेटिंग कार्बन एटम्स। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें कि दोनों कार्बोक्सिलिक समूह 2 या 3 CH2 समूह द्वारा पृथक रहते हैं गर्म करने पर जल का अणु निष्कासित कर देते हैं तथा 5 या 6 मेंबर्ड साइक्लिक एनहाइड्राइड इनसे बन जाता है। तो ये साइक्लिक एनहाइड्राइड का बनना जो है एक गर्म करने पर वाटर के मॉलिक्यूल के निकलने के साथ ही साइक्लिक एनहाइड्राइड्स का फॉर्मेशन इनसे हो जाता है। तो जैसे हमने लिया सक्सेनिक एसिड, तो सक्सेनिक एसिड जो है उसको जब हम गर्म करते हैं तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से ग्लूटारिक एसिड को जब हम गर्म करेंगे तो इससे ग्लूटारिक एनहाइड्राइड बनेगा। थैलिक एसिड को गर्म करते हैं तो थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ये जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं और फिर ये एक वाटर मॉलिक्यूल के निष्कासन से एनहाइड्राइड के अंदर चेंज हो जाते हैं। थर्ड है 4 या 5 कार्बन समूह द्वारा COS समूह का अगर सेपरेशन होता है तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कि दो कार्बोक्सिल समूह 4 या 5 CH2 समूह द्वारा पृथक रहते हैं गर्म करने पर साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं बनाते बल्कि साइक्लिक कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। ये हम देखें, ये हमारा है एडिपिक एसिड, जब इसको हम गर्म करते हैं तो साइक्लोपेंटेनॉन का फॉर्मेशन होता है, 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो इससे बनती है। इसी तरह से पिमेलिक एसिड को जब हम गर्म करते हैं तो इससे साइक्लोहेक्सेनॉन का फॉर्मेशन होता है, 6 मेंबर्ड रिंग, एक कम कार्बन एटम वाली रिंग का फॉर्मेशन इनसे होगा, कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा एक कम कार्बन एटम वाले, और एक वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इससे निकल जाता है। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स पर टेम्परेचर का प्रभाव को ब्लॉन्क के रूल के या द्वारा जो है वो हम इस तरह से बता सकते हैं कि 1,4 और 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक एनहाइड्राइड देते हैं जबकि 1,6 और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो साइक्लिक कीटोन देते हैं। तो ये नियम जो है वो रिंग के आकार के निर्धारण के लिए उपयोग में लिया जाता है।
कि अगर 1,4 और 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से हैं, अगर एनहाइड्राइड बन रहा है तो इसका मतलब वो 1,4 या 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। साइक्लिक कीटोन अगर बनते हैं तो 1,6 और 1,7 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जलीकारक अभिकर्मक जो होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स पर प्रभाव कार्बन श्रृंखला पर निर्भर करता है, अतः डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के निर्जलीकरण के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर भी निर्भर करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का अगर हम देखें, जब ऑक्जेलिक एसिड को सांद्र H2SO4 के साथ में 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में डिसोशिएट हो जाता है। तो ये हम देखें कि किस तरह से जो है कि ये कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिसोशिएट होता है। क्या इसकी मैकेनिज्म है, ये इसकी मैकेनिज्म है कि किस तरह से जो है ये डिसोशिएट होता है। सेकंड है मेलोनिक एसिड। जब मेलोनिक एसिड को P2O5 के साथ में गर्म किया जाता है तो इससे जो है कार्बन सब ऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा के अंदर बनता है। तो ये देखा हमने, मेलोनिक एसिड गर्म करा तो कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब्सोक्साइड क्या होता है, ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, तीन कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं तो वो कहलाता है कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड जो है वो एक डाई की तीन कीटोन है होता है। जब इसका जल से एडिशन करवाते हैं तो मेलोनिक एसिड प्राप्त होता है, परंतु एथिल अल्कोहल के साथ में ये एक डाई एथिल एस्टर भी बनाता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें सक्सेनिक एसिड। जब सक्सेनिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड या फॉस्फोरिल क्लोराइड के साथ में गर्म करते हैं तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। सक्सेनिक एसिड को अकेले हम गर्म करेंगे तो ये प्राप्त नहीं होता है, इसलिए सक्सेनिक एसिड को जो है एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिल क्लोराइड है या फॉस्फोरिल क्लोराइड के साथ में ही हम गर्म करते हैं तो ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड की बहुत अच्छी मात्रा को बनाता है। तो इस तरह से जो है वो हम इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को देख सकते हैं कि किस तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो हैं वो अलग अलग एसिड्स पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। मेलोनिक एसिड पर अगर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 की रिएक्शन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, गर्म करते हैं तो कार्बन सब ऑक्साइड मिलता है। इसी तरह से सक्सेनिक एसिड को जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में गर्म करते हैं तो एसिड सक्सेनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब कुछ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए पढ़ा कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, फिर अनसेचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं उसमें भी दो तरह के हमने देखे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड, और उसके बाद में हमने देखा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ये हमने देखे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चैप्टर को हम यही कंप्लीट करते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का 16th पार्ट था जिसमें कि हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को और रिएक्शंस को देखा। नेक्स्ट
कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।